नमस्ते प्रणाम बंदर। देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कैसरगंज तहसील क्षेत्र के अंदर कटका मरोठा धाम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य मेला लगता है। आज हम आपको कटका मरोठा के प्राचीन मंदिर के साथ साथ यहाँ जो घाट बने वहाँ की और पूरे मेले की विस्तारित वीडियो हम आप तक पहुँचाएंगे। लगातार मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और इस पूरी वीडियो को आप लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। कभी समय मिले तो आप लोग इस कटका धाम में स्नान करके प्रभु बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग जरूर आए। और देखिए कटका मरोठा की स्पेशल लाइव तस्वीर को साथ यहां पर जो भक्तगण उनकी तस्वीर में आपको लाइव दे रहा हूं। कटका मरोठा का प्राचीन मंदिर है जिसकी हम बाहर से तस्वीर आपको दे रहे हैं। लाइव मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार कटका मरोठा के मंदिर में प्रवेश करते हुए। वर्ष पुराना मंदिर है, इतिहास में पहली बार आप देखेंगे इस प्राचीन मंदिर के अंदर मौजूद है जिसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ आठों समाधियां बनी हुई हैं आठ पीढ़ियों की, ये इसकी एक झलक हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। झलक में आपको एक समाधि की दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर। महाराज जी कथा उथा करते हैं, टुई फीलही की जो महंत जी हैं उनकी समाधि की ओर हम आपको लाए हैं। देखिए अभी तक इतिहास में आपने पीपल के वृक्ष देखा होगा और मैं एक पीपल का वृक्ष आपको दिखा रहा हूँ जो काफी बड़ा है और इसी के अंदर यहाँ पर एक मंदिर बनी हुई पीपल के अंदर, वो मैं तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। पीपल वृक्ष के बिल्कुल खोहा में जो ये मंदिर बनी हुई है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं रोहित शुक्ला जी यहाँ पर जो है भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये खोहा में बना हुआ है बिल्कुल जो पीपल का नीचे का हिस्सा है। दी शुक्ला एक बिटिया है इनकी साथ और ये बिल्कुल खोहा में बना हुआ मंदिर है जो पीपल वृक्ष की बिल्कुल खोहा में बना हुआ जड़ में बिल्कुल, ये लाइव तस्वीर मैं आपको दे रहा हूँ। ये तस्वीरों में अनुपम शुक्ला अपने पति के साथ इस भव्य मंदिर में कई वर्षों से यहाँ आते जाते हैं, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। फैमिली के साथ ये लगातार कई वर्षों से इस कटका धाम में यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए इनकी तस्वीर हम बाहर से आपको दे रहे हैं। ये सिद्धपीठ की चौखट में आपको लाइव तस्वीर दे रहा हूँ। सिद्धपीठ का प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं लखौड़ी ईंट से बना हुआ है, वर्षों पुराना है प्रभु बजरंगबली का यह मंदिर, 1000 वर्ष पुराना मंदिर जिसे तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे का हिस्सा मेरे हम आपको दिखा रहे हैं जो पुराना, हर मंगलवार को यहाँ से भभूत और पूजा प्रतिष्ठा होती है और यहाँ देखिए प्रणाम करते हैं प्रभु बजरंगबली को जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं राजन मिश्रा की तस्वीर जो यहाँ शक्तिपीठ में पहुंच करके प्रणाम किए हैं और इनकी तस्वीर मैं आपको लाइव दे रहा हूँ राजन भैया की। हाथ जोड़ करके शक्तिपीठ को प्रणाम कर रहे हैं राजन भाई के साथ काफी भक्त यहाँ मौजूद है। का धाम की हम शक्तिपीठ की तस्वीर आपको लाइव दे रहे हैं तो पहले तो हम भी प्रणाम करेंगे और आप अगर इस तस्वीर को देख रहे हैं तो आप भी प्रणाम करते रहिए। ये बहुत अलौकिक दर्शन आज हम आपको सोशल मीडिया के द्वारा करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कटका धाम में पहुंच चुका है NNI न्यूज का चैनल जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं शक्तिपीठ से, तो प्रणाम करते हुए मैं आगे आपको ले जाऊंगा। आपको प्रसिद्ध कुआं भी दिखाएंगे जो 1 वर्ष पुराना है और इसी शक्तिपीठ कटका मरोठा में बना हुआ है धाम में। इन कुआं देख रहे हैं, इस कुआं में दर्शन करने से ही आदमी की इच्छा पूर्ति हो जाती है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कटका मरोठा से। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, दिल को छू लेने वाली अद्भुत जानकारियां हम आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। फिर आप देख रहे हैं मैं मंदिर के अंदर मौजूद हूँ, कटका मरोठा की लाइव तस्वीर, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए आप। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दे रहे हैं सतव्रत दास जी जो यहाँ कुटी के ये महंत हैं और बहुत ऐतिहासिक हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी का जो है पूजा अर्चना होती है और कार्तिक पूर्णिमा पे विश्व का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है जिसकी हम तस्वीर आप तक लाइव पहुँचा रहे हैं। सर पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? सत्यव्रत दास। तो महाराज जी कितने वर्षों से यहाँ मेला लगता है? लगभग 500 वर्ष। 500 वर्षों से महाराज जी वर्षों से यहाँ मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा पे, तो कुछ महानता के बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे दर्शकों के लिए? कार्तिक पूर्णिमा ही नहीं जी, प्रत्येक मंगलवार को जी हमेशा मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र नवमी और बुढ़वा मंगल जी, इसमें विशेष जी। एक चीज पूछेंगे, कुछ महानता के बारे में आप कह रहे थे तो उसके बारे में जानेंगे। मंगलवार के दिन जी 1 सेकंड के लिए जी हनुमान जी यहाँ जरूर आते हैं जी, यानी कि 1 घंटे के 10 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए महाराज जी का 1 सेकंड हम कह रहे हैं। अच्छा 1 सेकंड, हाँ, चूंकि है कि वचन दिया गया था अच्छा पूर्वजों ने जी कि आप 1 सेकंड के लिए, लेकिन समय आप देंगे जी, उन्होंने कहा था कि हम आवेंगे चाहे 1 ही सेकंड के लिए आओ जी।
तो प्रभु बजरंगबली का दर्शन यहाँ एक सेकंड के लिए जरूर होता है। तो गुरुजी क्या नाम लिखते हैं अपना? नरपत सिंह। तो नरपत सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इस कटका धाम के बारे में? कटका धाम के बारे में कहना चाहता हूँ जी, हनुमान जी साक्षात कटका धाम को चले आए थे। जो अयोध्यावासी जब सब परेशान हुए जी, तो वहाँ के लोगों ने अरदास की, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं कटका को 5 मिनट के लिए हर मंगलवार को जाऊंगा जी, और फिर वापस पुनः अयोध्या आ जाऊंगा। और यहाँ निराकार पूजा होती है, यहाँ मूर्ति की पूजन। कचहरी में जो अरदास करता है उसकी मनोकामना सारी पूरी होती है। अभी तो संक्षिप्त मेला चल रहा है, और कल की स्थिति क्या होगी यहाँ पर? कल यहाँ पर कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ होगी जी, और सारे लोग प्रसाद चढ़ाएंगे जी, और कचहरी लगती है, उसी कचहरी में जी हनुमान जी से अरदास किया जाता है जी, उसी में सभी की मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए यहाँ भीड़ अधिक लगती है। आपने इलायची खाया बहुत होगा, लेकिन इलायची का पेड़ नहीं देखा होगा। इस कटका धाम में इलायची का पेड़ भी लगा, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सामने। पारिजात का भी पेड़, एक पारिजात का वृक्ष आपने देखा होगा बदोसराय में बना हुआ, जो ऐतिहासिक है, और ये माना जाता कि पृथ्वी पे अकेला वृक्ष है। इस कटका धाम में भी एक पारिजात का वृक्ष लगा हुआ, वृक्ष में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत नजदीक से दिखा रहा हूँ। यहाँ के जो महाराज जी वो भी हमारे साथ तस्वीरों में मौजूद है, और ये कटका धाम की हम स्पष्ट लाइव तस्वीर दे रहे हैं। जो भक्त हमको लाइव देख रहे हैं, निरंतर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और लिखेंगे प्रभु बजरंगबली की जय, और जब भी कभी समय मिले तो कटका धाम में दर्शन करने आए। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पे कल बहुत भव्य मेला होगा, आप लोग स्नान करके यहाँ दर्शन करने। इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ, आपका समय जरूर मिलना चाहिए इस कटका धाम में। हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं, कटका धाम के बाहर की पौड़ी की वीडियो हम आपको लाइव दे रहे हैं। बहुत सुंदर अलौकिक दर्शन करने को आपको मिलेगा। ये लाइव तस्वीर देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा चैनल NNI न्यूज के साथ आप लाइव देख रहे हैं। कटका धाम से आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप अपन कर रहे हैं सरजू माई का, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दे रहे हैं हम। श्री छोटी अयोध्या से मोहित मिश्रा की तस्वीर, ये भी यहाँ कटका धाम में मौजूद है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो भक्त पहुंचते हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। इस वक्त मोहित मिश्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो धनश्री छोटी अयोध्या से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर टीका लगा करके प्रभु बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मोहित मिश्रा की तस्वीर का धाम के बाहर की तस्वीर हम दे रहे हैं, जहाँ पर हजारों वर्ष पुराना प्रभु बजरंगबली का यह मंदिर बना हुआ है, और ये मानना है कि यहाँ जो भी भक्त मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी करते हैं। प्रभु बजरंगबली की बाहर की तस्वीर, इस मंदिर कटका धाम की हम लाइव तस्वीर आपको दे रहे हैं इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। काफी पुजारी पुराने हैं, ये महंत जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पंडा है यहाँ पर, इनकी तस्वीर देख रोली टीका लगा रहे हैं ये। काफी संख्या में प्रसाद के लिए दुकानें भी लगी, जिसकी लाइव तस्वीर कटका धाम से भक्त पहुंचते हैं उनको प्रसाद भी दिया जाता है। कटका धाम की लाइव तस्वीर, मंदिर के पुराने भंडारी थे, इनकी समाधि बनी हुई है, उसकी तस्वीर मैं आपको लाइव तक पहुंचा रहा हूं। प्रदीप शर्मा के साथ तस्वीरें देख रहे हैं, ये सभी लोग इस कटका धाम में स्नान किए, पूजा अर्चना किए हैं, इनकी लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को निरंतर शेयर करते रहिए। प्राचीन ब्रह्मचारी का स्थान है, जहां पर काफी संख्या में माताएं बहनें पहुंच करके पूजा अर्चना करती, जिसकी लाइव तस्वीर, काफी प्राचीन पेड़ है जिसकी तस्वीर हम आपको लाइव दे रहे हैं कटका धाम से। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो हम आपको दिखाएंगे आज कि आपका दिल और दिमाग दोनों हिल जाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे कटका धाम आने के लिए। अब आप देखेंगे काफी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी यहां पहुंचती हैं पूजा अर्चना के लिए, इसकी तस्वीर हम आपको लाइव दे रहे हैं। और चार्ट कलर लगा हुआ आपको दिखा रहे हैं, विशाल मंदिर बना हुआ कटका धाम में, जिसकी तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं। और काफी संख्या में यहाँ दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी महिलाएं पहुंचती हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको लाइव दे रहे हैं। को मेले की एक झलक दिखा रहे हैं, मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी वो मैं आपको दिखाता हूँ। उठा रहा हो तो कटका पर उठाइए, चाटे की दुकान काफी वर्षों पुरानी दुकान है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, जो इस मीठे के प्रोपराइटर है, काफी वर्षों से इनकी दुकान इस कटका मेला धाम में लगती। प्रसाद लेना हो तो इनकी दुकान पर आकर के प्रसाद जरूर खरीदिए। भगवान परशुराम को आपने देखा होगा, अब आज हम आपको कलयुग में भगवान नहीं लेकिन उनके नाम से मिलते हुए परशुराम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मीठे की दुकान पे बैठे हैं। और रामदास एक सैनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस कटका धाम की तस्वीर, और लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे आप और लाइक करते रहेंगे, और ऊपर जो फॉलो का ऑप्शन है वहाँ फॉलो करते रहेंगे। कल बहुत बड़ा मेला होगा, आप लोग इस चैनल के माध्यम से दर्शन करने जरूर आए। धन्यवाद।